अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। बाबा का ढाबा पिछले साल के लॉकडाउन से अब तक इसकी चर्चा हो रही है। बीच में चर्चा कुछ कम हो गई थी, लेकिन बाबा एक बार फिर सुर्खियों में है। अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली के मालवीय नगर में कांतर प्रसाद जहां पहले अपना बाबा का ढाबा चला रहे थे, वहीं लौटकर वापस आ गए हैं। शुरू में बाबा की हालत देखकर लोगों ने दरियादिली दिखाई और बाबा रातों रात लखपति बन गए। बाबा ने चमचमाता रेस्टोरेंट भी खोल लिया, लेकिन वो चल नहीं पाया। अब एक बार फिर बाबा का पहले जैसा हाल हो गया है। दरअसल पिछले साल बाबा का ढाबा एक यूट्यूबर गौरव वासन की वजह से सुर्खियों में आया था। गौरव वासन ने बाबा की हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिससे कांता प्रसाद रातों रात फेमस हो गए। उस वक्त बाबा ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया था। गौरव पर पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगा था, लेकिन अब बाबा यूट्यूबर से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। अंडरस्कोर नॉटी सोसाइटी नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पर बाबा का एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें कांता प्रसाद क्या क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये जो गौरव आसन, वो लड़का कोई चोर नहीं था और ना हमने कभी चोर कहा है। बस हमारे से एक चूक हुई है कि जो हमने कहा कि गौरव आसन हमने बोला गौरव आसन अपने आप आए थे और हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं और जनता जनार्दन कहते हैं अगर कोई इसमें गलती हो समय माफ करना, इसकी आगे हम आपके सामने कुछ नहीं करते। वहीं गौरव वासन ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देखने के बाद इसका जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, कर्मा। दरअसल बाबा के नाम से मशहूर हुए कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बादामी देवी पिछले कई सालों से दिल्ली के मालवीय नगर के फुटपाथ पर अपना ढाबा चला रहे थे, लेकिन तब इक्का दुक्का लोग वहां आते थे। सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा का वीडियो आने पर वो छा गए। बाबा के ढाबे पर लोगों का तांता लगने लगा। हजारों लोगों ने सीधे बाबा को पैसों की मदद की, जिसके बाद बाबा ने नया रेस्टोरेंट खोल लिया। लेकिन अब एक बार फिर वो अपनी पुरानी दुकान पर वापस आ गए हैं। वो बताते हैं कि रेस्टोरेंट में उन्हें जबरदस्त घाटा हो रहा था, कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसे बंद करना पड़ा। कांता प्रसाद को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बाबा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी कॉमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।